और मैंने तुम लोगों को आइडिया भी दे दिया था वेबसाइट को सेल करने का, सही है? तो आई होप कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई होगी उसमें आपकी। हाँ, तीन इश्यूज आ रहे हैं, बताओ। उसके बारे में दूसरी बात कह रहे हैं कि हम यदि हमारे पास इतना काम नहीं है कि जिसका हमारे पास लोग ऐसे आते हैं बस पैसा हमारे काम है। तीसरा सर मीडिया क्वेरी जो मुझे आ रही है, मुझे पर्सनली लग रहा है कि मुझसे सर से मैं लैपटॉप पे उसको अच्छी सी बना लेता हूँ, मतलब हाँ उसको मोबाइल में खोल रहा हूँ तो बट बूट पटाख का लग रहा है वो। और सर एक ये भी आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि जब कोई बूट सर्च करे तो मेरा ही वेबसाइट है, वो SEO भी मांगते हैं। अच्छा, तो देखो ये बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न बताया दुकान वाले ने। सबसे पहली बात तो दुकान वाला ये कह रहा है कि हम मार्केटिंग करते ही नहीं है तो हम वेबसाइट का करेंगे क्या, ये कह रहे हैं ना वो। तो देखो, अब उसको ना हर बिजनेस ओनर को पता नहीं होता कि किस चीज़ की वर्थ क्या है, ठीक है? तो वो मार्केटिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको मार्केटिंग की वर्थ नहीं पता। तो काइंड ऑफ इसी वजह से वो छोटा बिजनेस है मे बी। अच्छा, कुछ बिजनेस वाले ऐसे होते हैं जो सेल बढ़ने से भी डरते हैं कि अगर सेल बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे उसको, ठीक है? वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं देखता सेल बढ़ने में, वो डरता है। तो वो काइंड ऑफ कुछ इस तरह के बिजनेस में तुम गए होगे शायद। अच्छा, तो लेकिन स्टिल आप उसको ये कह सकते हैं कि यार ये तुम्हारा बैनर है इस पर लगा दो ना, तुम्हारी दुकान बंद भी होगी तो लोग वेबसाइट देख लेंगे आके, QR कोड लगा दो दूर से स्कैन करके ले जाए, है ना? तो इस तरह आप उसको कन्वेंस कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी बंदे को वैल्यू नहीं पता तो आप उसको पूरा बिजनेस मैनेजमेंट तो नहीं पढ़ा सकते ना, पूरा MBA तो आप उसको नहीं करा सकते, ठीक है? तो बेहतर ये कि फिर आप दूसरी बिजनेस की तरफ मूव करेंगे। वेल, दूसरी बात उसने ये की कि हम मार्केटिंग नहीं करते, तो आप बोले यार मार्केटिंग भी कर देंगे हम आपकी, नमाज का टाइम हो गया, अभी भेजता हूँ। तो उसको बोले यार हम मार्केटिंग भी कर देंगे आपकी, फेसबुक पे ना ऐड उसका चला दो। फेसबुक पे बहुत आसान होता है ऐड चलाना, जो रेडियस सेट करके ना जहाँ पे उसकी दुकान है वहाँ से 5 किलोमीटर का रेडियस सेट करो और ऐड चला दो उसका। बोले यार 1,000 रुपये का ऐड चला दो आप, सही है? जब बन जाए वेबसाइट सब कुछ हो जाए तो उसको बोलो कि यार 1,000 रुपये आप मुझे दे देना, 1,000 रुपये का मैं सीधा सीधा ऐड चला दूंगा, मैं कुछ नहीं रखूंगा उसमें से, ठीक है? वो वंस उसके पास कस्टमर आएंगे तो फिर उसको आइडिया होगा, फिर वो हर दफ़ा आपके पास आएगा। दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग ना, डिजिटल मार्केटिंग ये पूरी फील्ड है। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है कि बूट लिखूँ तो मेरी ही वेबसाइट आ जाए डायरेक्ट, ठीक है? उसको समझाओ कि भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि बूट लिखूँ और आपकी वेबसाइट आ जाए, ठीक है? हाँ, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि तीसरे चौथे नंबर पे या पाँचवें नंबर पे या दूसरे पेज तक आपकी वेबसाइट को मैं लेकर आ जाऊँ, ठीक है? फिर अच्छा, SEO इज़ अ होल थिंग। उस मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ SEO बोला और हो गया, ऐसे नहीं होता। SEO के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बहुत सारे अलग अलग उसमें तरीके होते हैं उसको करने के, ठीक है? तो आप SEO की सर्विस उसको अलग से दे सकते हैं। SEO का कोर्स अगर आपने करना है तो आप YouTube वगैरह से इजीली कर सकते हैं कि SEO कैसे होता है। हाँ, लेकिन वो कोर्स आप जब करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि पहले नंबर पर लाना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। अच्छा, पहले नंबर पर लाने का एक और भी तरीका होता है कि फेसबुक को आप या सॉरी गूगल को आप पैसे पे करें। हाँ, क्योंकि गूगल में जैसे मैं अभी हॉस्पिटल लिखूंगा ना जाके, देखो हॉस्पिटल लिखूंगा, हाँ बस अभी हम निकलते हैं, तो ये शुरू में ना ये ऐड देता है, नहीं ये ऐड अभी नहीं आ रहा, लेकिन शुरू में ना 3 ऐड आते हैं इसके। जैसे मैं लिखूंगा होस्टिंग, ये 3 अदद ना शुरू में, ये देखो ऐड आ गया पहला ऐड, ये दूसरा भी ऐड है, ये तीसरा भी ऐड है, चौथा भी ऐड है। तो ये जो 4 पोजीशंस है ना इसके लिए बिडिंग होती है, सही है? कि ये इस पोजीशन पे कौन आएगा, तो इसकी बिडिंग होस्टिंगर वाले उन्हें पैसे डाले हैं इसमें दबा के, और इस ऐड के पर क्लिक पे ना जो बिडिंग होती है वो ये होती है कि मतलब शुरू होती है सेंट से वो, और फिर मिसाल के तौर पे होस्टिंगर वालों ने कहा यार मैं $1 दूंगा पर क्लिक पे, मैंने बोला मैं $5 दूंगा, किसी ने बोला मैं 8 दूंगा, किसी ने बोला मैं 12 दूंगा, वो जाके 18 पे डन हुआ। तो अब जो वो चलेगा ना ऐड भी आ रहा होगा पोजीशन जिसने विन किया है, एक क्लिक पे वो $18 पे कर रहा होगा गूगल को। हाँ, बस मैं 2 मिनट में निकालता हूँ। तो वो पर क्लिक में ना जब मैं क्लिक करूँगा एक दफ़ा, अगर मैंने विन किया ये ऐड तो मैं $15 पे करूँगा गूगल को पर क्लिक, सही है? अब गूगल क्या पे करेगा किसको, वो गूगल का मसला है, ठीक है? वो यूट्यूबर्स को भी पे करता है, वो 10 जगह जहाँ जहाँ ऐड चल रहा होता है, अगर गूगल सर्च में है सिर्फ तो सिर्फ यहाँ चलेगा, अगर यूट्यूब वगैरह पे भी चला रहा हूँ तो उसको भी पे कर रहा होगा। वेल, तो ये भी तरीका है पहले नंबर पे लाने का
कि जैसे बूट है ना, उसका क्या दुकान क्या थी उसकी, बूट बूट शॉप है ना, तो बस ये बूट लिखा ना मैंने, बूट पे कोई ऐड नहीं लगा हुआ इस वक्त, खाली पड़ा हुआ ये। अब इसकी बिडिंग जो भी बेस बिडिंग होगी, सेंट कुछ सेंट होगी, 20-30-40 सेंट होगी, बस वो बेस बिडिंग पे करके आप उसका ऐड चला सकते हैं आप, बट उसको हर क्लिक पे उतने पैसे पे करने होंगे। तो उसको ये बात भी आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आने की ना एक कॉस्ट है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यूजिंग फ्लोट टू प्लेस एलिमेंट साइड बाई साइड, के फ्लोट का इस्तेमाल करके आप, जो फ्लोट की प्रॉपर्टी हमने लास्ट पढ़ी थी, उसको इस्तेमाल करते हुए किसी एलिमेंट को साइड बाई साइड स्क्रीन पर कैसे दिखाया जाए। साइड बाई साइड का मतलब क्या है कि एक दूसरे के बराबर में, ठीक है। एक तो टॉप टू बॉटम, या तो टॉप टू बॉटम मतलब एक ऊपर एक नीचे और एक उसके नीचे, ऐसे। साइड बाई साइड का मतलब होता है कि एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, इसको हम कहते हैं साइड बाई साइड। तो क्या हमें इसके लिए फ्लोट की अब ज़रूरत है? नहीं है, हम फ्लैक्स बॉक्स से ये काम ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोट को के साथ एक मसला ये होता है, फ्लोट जब आप लगाते हैं ना तो फ्लोट को क्लियर भी करना पड़ता है, ठीक है, वरना अगली लाइन वाले एलिमेंट पे भी ये कुछ अपने इफेक्ट्स डाल रहा होता है। तो फ्लैक्स बॉक्स में ये मसला भी नहीं होता हमारे साथ। अच्छा ठीक है, ये क्लियरिंग फ्लोट का पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे फ्लोट क्लियर होता है, यानी नेक्स्ट एलिमेंट जो भी होता है आप उस पर फ्लोट क्लियर करते हैं ताकि उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए इसका। ये इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ्लोट अब हम बहुत कम यूज़ करते हैं इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ। ये पूरा इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है, और या जो एग्जांपल बताई हुई है वो एग्जांपल आप चलाकर भी देख लेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्लियर लगाना और ना लगाना इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है भाई। पेरेंट ऑफ फ्लोट एलिमेंट प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम वही डिस्कस कर रहा है कि ये प्रॉब्लम होता क्या है, कि जो फ्लोटेड एलिमेंट का जो पेरेंट होता है वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता, वो कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ आती हैं, वो यहाँ डिस्कस हुई हुई हैं, ठीक है, इसको भी हम जल्दी जल्दी से स्किप करते हैं। अच्छा, क्रिएटिंग मल्टी कॉलम लेआउट विथ फ्लोट, सही है, मल्टी कॉलम लेआउट काइंड ऑफ दिस। तो ये भी हम क्या करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स से बहुत ईजिली अचीव कर लेते हैं। इसमें स्क्रीन को दो साइड पर डिवाइड किया गया है, एक तरफ शायद 300-400 पिक्सल का एक पोर्शन बनाया है और बाकी जो बच गया है उसमें वो मेन कॉन्टेंट पूरा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पूरी स्क्रीन को दो हिस्सों में जो डिवाइड करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या करेंगे, रो, जो बाई डिफ़ॉल्ट होती है। एक तरफ हम पूरा का पूरा HTML पेज रखेंगे, दूसरी तरफ हम वो 300 पिक्सल 400 पिक्सल वाला डिप रख देंगे और उसमें जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे कि स्पेस इवनली शायद, ठीक है, ताकि जो भी स्पेस अवेलेबल है उसको वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें सारी हम फ्लैक्स बॉक्स से बहुत ईजिली कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन साइजेस की अब कुछ बात हो रही है, डिफरेंट विजिटर टू योर साइट विल हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ द स्क्रीन दैट शो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो योर डिज़ाइन नीड टू बी एबल टू वर्क ऑन अ रेंज ऑफ डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। कह रहे हैं कि एक आईफोन 4 हो सकता है आपके विजिटर के पास, या आईपैड हो सकता है, उसके अलावा बड़ी स्क्रीन भी हो सकती है, लैपटॉप या iMac हो सकता है, ठीक है। उस ज़माने में सबसे बड़ी स्क्रीन ये 27 इंच की iMac हुआ करती थी। वेल, अभी आमतौर पे जो मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं लोग घरों में वो 4K मॉनिटर होता है, ठीक है, 4K रेजोल्यूशन होता है वो, इवन दो के 27 इंच से कम भी होता है तो भी साला 4K होता है। आजकल छोटी छोटी LG के डिस्प्ले हैं, मतलब 20 इंच का डिस्प्ले है लेकिन वो 4K, 17 इंच का 20 इंच का भी जो है ना 4K वाला डिस्प्ले आ गया है। और मतलब क्योंकि जाहिर है डेस्क पे जब आप होते हैं तो, हाँ, मोबाइल में भी अब 4K रेजोल्यूशन आ गए। तो आम तौर पे क्या होता है कि लोग 4K मॉनिटर घर पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको भी हमने अब अकाउंट में रखना है कि अच्छा यार किसी के पास 4K मॉनिटर हो सकता है। अच्छा, 4K मॉनिटर जो लोग यूज़ करते हैं आम तौर पे उसको 4K रेजोल्यूशन पे सेट नहीं करते हैं आम तौर पे, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। मिसाल के तौर पे मेरे पास इस वक्त जो स्क्रीन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 2K स्क्रीन है, 2.5K बल्कि 2500 पिक्सल है इसकी हॉरिजॉन्टली, लेकिन इसको कभी भी मैं 2.5K पे सेट नहीं करता हूँ, ये 1100 समथिंग पे सेट है, यानी 1K, ठीक है, तो 1K पे ये सेट है। तो आमतौर पे जो लोग 4K स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं घर में पर्सनल कंप्यूटर के लिए, वो उसको 4K पे सेट नहीं करते, ठीक है। वो अभी यहाँ पे किसी जगह पे बीच में इसने बताया भी था कि एक होती है नेटिव रेजोल्यूशन, एक होती है सिमुलेटेड रेजोल्यूशन या सिस्टम लेवल की। तो नेटिव रेजोल्यूशन वो होती है कि स्क्रीन पे कितनी बत्तियाँ लगी हुई हैं या स्क्रीन में कितने पिक्सल्स हैं नेटिवली,
लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको नेटिवली वैसे इस्तेमाल नहीं करता, वो उसको क्यूबिक्स करके इस्तेमाल करता है, यानी 4 पिक्सल को मिला के 1 पिक्सल दिखा रहा होता है। अब उसके कुछ अपने वो बेनिफिट्स हैं, अभी रिसेंटली वो जो नया वाला आईफोन आया उसमें भी उन्होंने क्वाड पिक्सल करके वो बताया पूरा, तो वो उनकी प्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो 4 पिक्सल करके 1 पिक्सल बनाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो 48 मेगापिक्सल का उन्होंने अभी कैमरा इंट्रोड्यूस करवाया, बट वो है तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा, बट सिमुलेटेड वो किस पे है, 12 मेगापिक्सल पे। तो वो क्या होता है कि 48 पिक्सल जो अगर आते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसको 48 को कम करके वो 12 पिक्सल पे लाता है। वो एक्चुअली क्या करता है कि डिवाइस में, क्योंकि कैमरा भी एक्चुअली पिक्सल्स पे ही चल रहा होता है, कैमरे का जो सेंसर होता है आम लोग उसको लेंस के नाम से जानते हैं, जो कैमरे का लेंस होता है उसके पीछे एक चकोर सा एक सेंसर होता है, ठीक है, जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। तो जब लेंस से गुजर के लाइट उस पर पड़ती है तो वो उस सेंसर के ऊपर ना छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो लाइट रिसेप्टर होते हैं, वो जितने ज़्यादा डॉट होते हैं उतने ज़्यादा मेगापिक्सल वो कैमरा होता है। ठीक है, तो अगर 48 मेगापिक्सल कैमरा है तो इसका मतलब है कि 48 मेगापिक्सल्स यानी मेगा डॉट्स उसके ऊपर मौजूद हैं। अब ये जितना भी बनता है आप कैलकुलेट कीजिएगा, किलो मेगा की कैलकुलेशन आपको पता होगी। तो वो डिवाइस को उतने ज़्यादा पॉइंट्स नेटिवली मिलते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या करते हैं, उस 48 मेगापिक्सल को 4 पिक्सल को स्क्वायर करके 1 बनाते हैं और उसको 12 मेगापिक्सल पे ले आते हैं, उससे साइज़ भी कम हो जाता है फ़ोटो का और शायद कलर वलर कुछ बेटर मिलते हैं, तो रेजोल्यूशन आपके जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, हम रेजोल्यूशन कौन से वाले फॉलो कर रहे हैं, हम रेजोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं गूगल क्रोम वाले, सही है। अच्छा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट में गया, और यहाँ पे जब मैं मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना उन्होंने कुछ एवरेजेस बताए हुए, बंद हो गया, इन्होंने बोला कि यार मोबाइल स्मॉल जो है ना आजकल वो 320 पिक्सल का होता है, मोबाइल मीडियम जो है वो 375 पिक्सल का होता है, विड्थ की बात हो रही है, हाइट तो स्क्रॉलेबल होती है तो हाइट की बात नहीं है, मोबाइल लार्ज जो है वो 425 पिक्सल का होता है, सही है, और टैबलेट जो है वो 768 पिक्सल का हो सकता है। अच्छा, अभी मैं टैबलेट से और आगे बढ़ूंगा, मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा इसको। टैबलेट के बाद है लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप जो है वो 1024 पिक्सल का हो सकता है, उसके बाद है लार्ज लैपटॉप 1440 पिक्सल का होता है, ठीक है, तो 1440 पे गालबन मेरा वाला जो स्क्रीन है वो 1440 पे ही सेट है वो भी। अच्छा, उसके बाद लैपटॉप लार्ज के बाद 4K क्यों नहीं शो कर रहा, और जूम आउट करना होगा मुझे, यहाँ पे ये 4K शो कर रहा है, ठीक है, 4K स्क्रीन जो है वो क्या हो सकती है, 2560, अगर आप नोट करें तो ये 4K रेजोल्यूशन किस पे दिखा रहा है, 2560 पे दिखा रहा है, ठीक है, हाँ, तो ये जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि नेटिवली अगर 4K रेजोल्यूशन होता भी है तो वो सॉफ्टवेयर लेवल पे पूरा 4K नहीं उसको इस्तेमाल कर रहा होता, उसको काइंड ऑफ इन्होंने आधा किया हुआ है कुछ। तो हमें इन डिफरेंट साइजेस के ऊपर अपनी स्क्रीन को, अपनी जो वेबसाइट है उसको एडजस्ट करना होता है कि किसी भी स्क्रीन साइज पे इनमें से अगर मेरी वेबसाइट खुलती है तो मेरी आड़ी टेढ़ी ना खुल जाए, सही, ठीक से खुल जाए। जैसा कि लास्ट टाइम मैं ये भी डिस्कस किया था कि हम एक वेबसाइट को मोबाइल पे, टैबलेट पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे, तीनों पे बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्सिव हम नहीं कर सकते, इस चीज़ को अब पहले इसकी कोशिश की जाती थी, बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क पूरा इसी चीज़ को लेकर लिखा गया था, लेकिन अब इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, बेस्ट प्रैक्टिस अब ये समझी जाती है कि मोबाइल की वेबसाइट एंटायरली अलग होगी, ठीक है, तो एक वेबसाइट बनेगी मेरी जिसको मैंने मोबाइल पे और टैबलेट पे रिस्पॉन्सिव करना है, और एक वेबसाइट मेरी बनेगी जो मॉनिटर से शुरू होगी, और मॉनिटर दो लार्ज और स्मॉल दो मॉनिटर हैं, जो एक 1024 पे, एक 1440 पे, और 4K। अच्छा, 4K स्टिल हमारी प्रेफरेंस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि 4K रेजोल्यूशन वाला जो यूज़र है वो स्टिल उसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। आमतौर पे लोग जैसे मैकबुक वगैरह जो यूज़ करते हैं या जो विंडोज़ के लैपटॉप भी यूज़ करते हैं वो आमतौर पे इतने बड़े साइज़ के नहीं होते उसकी स्क्रीन, ठीक है, तो वो 1440 तक ही हमारी मेन प्रेफरेंस होती है, बट हम एक दफ़ा 4K पे भी उसको चला के देख लेते हैं कि कोई चीज़ ब्रेक ना हो रही हो। अच्छा, आमतौर पे ये भी देखा गया है, यानी आम तासुर ये होता है कि अगर कोई ऐप अगर 1440 पिक्सल पे सही चल रही है तो वो 4K पे बाय डिफ़ॉल्ट सही चलेगी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज़ छोटी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन हुई भी है और वो बड़ी स्क्रीन पे खुलती है तो मैक्सिमम ये होगा कि दो साइडों पे खाली खाली स्पेस आ जाएगा, ठीक है, ये होता है, ये चीज़ें बहुत स्प्रेड आउट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगी।
अगर मैं बड़ी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करके बाद में छोटी पे खोलता हूँ ना तो मसला है, लेकिन छोटी के लिए डिज़ाइन करके बड़ी पे खोलता हूँ तो मसला नहीं है। तो 4K पे अगर हम उसको अच्छी तरह ना भी रिस्पॉन्सिव करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 4K पे सही रहती है, लेकिन हम क्या करेंगे 4K पे भी एक बार उसको चला कर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, फ्लैक्स बॉक्स उसके लिए हमें पता है, रैप वगैरह की चीज़ें हैं सारी उसमें, मीडिया क्वेरी, इन दो चीज़ों का जो है ना मेन अमल दखल है चीज़ों को रिस्पॉन्स करने में। डिस्कनेक्ट, ये लो रीकनेक्ट। अरे भाई हाँ, बस ये सही कह रहे हो, फ्री वाली ऐसी होती है। अच्छा, इन्होंने बताया यार ये कि क्लासिक पेज जो बनता है ना, क्या हो रहा है, सही है सही है, एक क्लासिक पेज जो होता है वो 1000 पिक्सल विड्थ का हो सकता है। ये नहीं है, प्रोजेक्टर में कुछ इशू हो रहा है। ये नहीं, प्रोजेक्टर रीस्टार्ट होना शुरू हो गया यार थोड़ी देर में। ये क्या हो रहा है, एक मिनट इसको मैं ज़रा छोटी स्क्रीन कर दूँ, अभी बेहतर है। प्रोजेक्टर प्रॉब्लम कर रहा है यार। एक बंदा जाओ आप में से कोई भी, जाके ज़रा नीचे ना काउंटर पे बताओ उनको कि प्रोजेक्टर ना रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। सही हो गया ना, तार हिल गई थी, बैठ गई। खैर, तो भाई तार वाले प्रोजेक्टर के साथ यही प्रॉब्लम है कि तार हिलती रहेगी। तार जितनी भी अच्छी लगा लो, हालांकि बहुत अच्छी वाली वायर इस्तेमाल हुई भी है, इसीलिए हमने नीचे जितनी लैब्स है ना उसमें से सब में से ये तार वाला प्रोजेक्टर ना ख़त्म कर दिया वायरलेस है। तो वायरलेस का एक डाउन साइड है कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती स्क्रीन की, लेकिन ये वाले मसले हल है कि तार हिल रही है, और वो क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो अल्टीमेटली ख़राब होगा। ये जो गाड़ियाँ होती हैं रॉकेट्स के अंदर, ये कोशिश की जाती है कि मूविंग पार्ट को कम से कम रखा जाए, मूविंग पार्ट जितने ज़्यादा होंगे वो वेयर टेयर होगा। जो स्टेटिक होता है ना जो पार्ट, उसमें वेयर टेयर नहीं आता, वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। अच्छा, इन्होंने ये क्लासिक बताया है कि भाई वेबसाइट को ना हम लिमिट करते हैं 1000 पिक्सल पर। अच्छा, लिमिट करते हैं 1000 पिक्सल पे, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर 4K पे भी खुलेगा ना तो वो दरमियान में 1000 पिक्सल ले रहा होगा, दैट्स इट। और अगर 1440 पे खुलेगा तो थोड़ा, यार वो तार हिल गई थी नीचे से, मैंने निकाल के लगाई तो सही हो गया, थैंक यू यार। नहीं, ये तो फिक्स किया हुआ है इसने 1000 पिक्सल पे, ठीक है। तो ये फिक्स विड्थ लेआउट कहलाता है, ये वाला जो अप्रोच होती है वो फिक्स विड्थ लेआउट होती है। हमने लास्ट टाइम फेसबुक में देखा था कि वो यही अप्रोच इस्तेमाल करता है कि वो एक सर्टेन लेवल पे लाके ना उसको फिक्स करता है, उससे ज़्यादा जाने नहीं देता। अगर बहुत बड़ी स्क्रीन में खुला है तो दरमियान में आएगा, दोनों साइडों पे खाली खाली जगह होगी, ठीक है। तो फिक्स विड्थ लेआउट इन्होंने बनाना सिखाया है बगैर फ्लैक्स बॉक्स के, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स उस वक्त तक मौजूद नहीं था, 2009 में लिखी गई है बुक, तो उस वक्त ये बनाना सिखाया है।
तो इसको ज़रा एक नज़र देख लो, बहुत ईजिली फ्लैक्स बॉक्स पर इसको बनाया जा सकता है, हमने बना के देख भी लिया है। अच्छा, उसके बाद है लिक्विड लेआउट। लिक्विड लेआउट का चक्कर ये है कि लिक्विड लेआउट डिज़ाइन स्ट्रेचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द यूज़र इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द साइज ऑफ देयर ब्राउजर विंडो, दे टेंड टू यूज परसेंटेज। अच्छा, ये लिक्विड लेआउट भी ना अब इसको डिस्करेज किया जाता है, सही है। अच्छा, लिक्विड तो काइंड ऑफ हर लेआउट किसी हद तक लिक्विड होता है, जैसा कि वो रैप वाला जो चक्कर है ना, जब इमेज गैलरी बना रहे होते हैं तो हम जैसे टाइल लगी हुई है इमेज की तो उस पर हम रैप लगाते हैं कि अच्छा यार जितनी विर्थ मिले उतने पे लगा दो, बाकी जब ख़त्म हो जाएगा तो नीचे लाइन में आ जाओ। तो वो लिक्विड होता है, अगर हम छोटा करते हैं तो वो तीन इमेज होगी एक लाइन में, अगर हम बड़ा करते हैं तो एक लाइन में फिर पाँच इमेज भी हो सकती है। तो इस हद तक तो हम चीज़ों को लिक्विड करते हैं, लेकिन हम इस हद तक नहीं करते जो इन्होंने जिस तरह से बताया है, ठीक है, कि बड़ी स्क्रीन होगी ना तो वो अच्छा लिक्विड यानी पानी जैसे होता है, लिक्विड होता है, पानी को किसी भी ग्लास में डालो तो उस शेप का हो जाता है। तो काइंड ऑफ वो चीज़ है कि भाई अब इसमें हम जितनी भी चीज़ों की विर्थ हाइट देते हैं वो सारी की सारी परसेंटेज में देते हैं। अच्छा, और कि जैसे अब मेरे पास ये नेविगेशन बार है तो मैंने उसको बोला कि यार आप क्या हो जाओ, मैंने बोला भाई विर्थ आपकी होगी 50% और अलाइन हो गया आप राइट पे। तो अब मसला ये है कि 4K पे जब ये खुलेगा ना तो 4K का 50% बहुत बड़ा होता है, तो ये लिक्विड होके अपने आप को वो ढालने की कोशिश करेगा उसमें, जो कि सही नहीं है, अब के हिसाब से सही नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि मैं क्या करूँ, इसका साइज़ या तो मैं EM में दूंगा कि टेक्स्ट के साइज़ से ऊपर नीचे होता रहे। अच्छा, उसके अलावा मैं ये करूँगा कि अगर बहुत बड़ी स्क्रीन का साइज़ है तो या तो मैं मीडिया क्वेरी के ज़रिए इसका टेक्स्ट बड़ा करवा दूंगा और इसका ये बार पूरा बड़ा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है तो उसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ मैं, तो मीडिया क्वेरी के ज़रिए एक्चुअल कंपोनेंट को हटा के उसकी जगह दूसरा कंपोनेंट दिखा दूंगा मैं। तो दीज आर द बेटर अप्रोच अगर मुझे वाकई उसको 4K वाले को पूरी सपोर्ट देनी है तो, ठीक है। अदरवाइज़ उसको मैं 1000 पिक्सल पे या 1100 पिक्सल पे या 1200 पिक्सल पे 1400 पिक्सल पे कहीं ना कहीं उसको मैं लिमिट करूँगा कि बच्चा इससे बस आगे नहीं जाना, ठीक है। और छोटी स्क्रीन के ऊपर भी एक हद तक उसको मैं सपोर्ट दूंगा, मिसाल के तौर पे छोटी स्क्रीन पे मैं 960 पिक्सल तक ले जाऊंगा उसको, ठीक है, या 700 पिक्सल तक ले जाऊंगा। मैं कहूंगा 700 से नीचे ना बस टैबलेट है, तो 700 से नीचे की अगर स्क्रीन है तो आप रिडायरेक्ट कर दो mdot वाले वेबसाइट पे, वो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं, वो जब पहुंचेंगे ना वहाँ पे तो हम जैसी वेबसाइट लोड होगी पहली लाइन में भी चेक करते हैं कि स्क्रीन की जो विड्थ है वो क्या है, अगर वो 700 पिक्सल से कम है या कोई भी सर्टेन एक थ्रेशोल्ड हो सकता है उससे कम है तो मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ उसको। फेसबुक में हम ट्विटर में ये हम एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा करता हूँ रीलोड करते ही मुझे कहीं और ले जाता है। अच्छा, फिक्स विर्थ लेआउट का भी कोड यहाँ लिख कर बताया है इन्होंने और लिक्विड का भी कोड लिख कर बताया है, ठीक है। ये लिक्विड लेआउट कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है, उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। इसको जूम इन जूम आउट करेंगे ये परसेंटेज में पूरी स्क्रीन पर फैला हुआ होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये 12 ग्रिड लेआउट सिस्टम होता है जो बूटस्ट्रैप में आपको देखने को मिलता है, ये एक लेआउट सिस्टम है जो कि अब थोड़ा सा पुराना हो गया, ठीक है, बूटस्ट्रैप में स्टिल इसको यूज़ किया जा रहा है। ये 12 कॉलम आप देख रहे होंगे, इसमें बनाकर दिखाया है इसने, तो 12 कॉलम लेआउट का चक्कर ये होता है, मैं कहूँगा कि यार अगर स्मॉल डिवाइस है ना ये, मिसाल के तौर मीडिया क्वेरी वाला चक्कर है ये, मीडिया क्वेरी के ऊपर अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरी मोबाइल स्मॉल की कैटेगरी में आ रहा है तो आप क्या करो 12x12 ले लो, तो मोबाइल पे वो क्या हो जाएगा पूरी विड्थ ले लेगा। मिसाल के तौर पे ये जो ऊपर नेविगेशन बार बना हुआ है अभी इसने कितना लिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैंने उसको बोला कि यार अगर लैपटॉप है तो 6 कॉलम पे हो जाओ, तो वो 6 पे हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि अगर ये मोबाइल डिवाइस है तो 12x12, तो मोबाइल डिवाइस पे ये 12 ले लेगा पूरा। अच्छा, ये कॉलम बनते कैसे हैं, जो भी टोटल विर्थ है डिवाइस की स्क्रीन की इस वक्त उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और एक हिस्सा जो वो एक कॉलम कहलाता है। तो अगर मैं बोलूँगा ना 12 कॉलम तो इसका मतलब होता है कि 100%, अगर मैं बोलूँगा 6 कॉलम तो इसका मतलब है 50%, रिगार्डलेस कि किस डिवाइस पर है जो भी स्क्रीन का साइज़ होगा, ये परसेंटेज में काइंड ऑफ कैलकुलेशन हो रही होती है पीछे, लेकिन हम उसको ग्रिड सिस्टम में इस तरह बता रहे होते हैं। CSS के बहुत सारे फ्रेमवर्क में आपको इसकी सपोर्ट मिलती है अभी भी, जिसमें बूटस्ट्रैप शामिल है, मटेरियल UI शामिल है, ये टेलविंड वगैरह भी इसमें भी ये सपोर्ट है इसकी, ठीक है, लेकिन एज अ लेगेसी सपोर्ट है। अभी जो नए वाले जितने भी हैं वो फ्लैक्स बॉक्स को दे टेंड टू गो विद फ्लैक्स बॉक्स,
तो मटेरियल यूआई के अंदर एक बॉक्स करके एलिमेंट है, वो मेनली फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर ही चल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे देखो ये इमेज है ना, एक दो तीन चार, चार कॉलम पे ली हुई है इमेज, जैसे ही स्क्रीन का साइज छोटा होगा मैं बोलूँगा भाई 6 कॉलम पे हो जाओ, तो वो जो, हाँ, अगर जगह नहीं बचेगी तो उसके बाद वाला आइटम उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये रैप करके जो हम नीचे ला रहे होते हैं, ठीक है। 12 कॉलम पिक्सल विथ 960 विड्थ, 960 पे या 1000 पिक्सल पे विड्थ को फिक्स किया हुआ है, और 12 कॉलम में ना इस तरह करके कुछ हो रहा होगा। अच्छा जी, अब ये मुख्तलिफ इन्होंने ग्रिड सिस्टम, एक ये 960.js करके एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो शायद कुछ लोगों का ख्याल था कि फ्लैक्स बॉक्स की तरह CSS का पार्ट बना दिया जाएगा इसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सही है, ये बहुत फेमस हुआ करती थी 960.js। ये जो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम जो है, ये इस लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ किया जाता था एक टाइम पर, उसके बाद बूटस्ट्रैप वगैरह ने भी इसकी सपोर्ट दे दी, तो अब ये उसमें भी मौजूद है, तो बहरहाल इस लाइब्रेरी को हमें पढ़ने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, मल्टीपल स्टाइल शीट्स, आपको अगर एक स्टाइल शीट में किसी दूसरी स्टाइल शीट को इम्पोर्ट करना है तो आप इस तरह करके कर सकते हैं, इम्पोर्ट लिखेंगे आप और उस फाइल का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हम HTML का पेज बनाते हैं, उस HTML के पेज में हमें क्या करना होता है, एक CSS की फाइल को ला के प्लेस करना होता है, तो हम लिंक लगाते हैं HTML के पेज में, उससे क्या होता है, वो पूरा का पूरा CSS उठ के ना यहाँ पे आके प्लेस हो जाता है और इस पेज पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने 3 अलग अलग CSS की फ़ाइल लिखी है, अब मुझे एक फ़ाइल के अंदर उन तीनों फाइलों को मर्ज करना है ताकि मैं उस एक फ़ाइल को इस्तेमाल करूँ और सब हो जाए, तो मैं इस तरह करके कर सकता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे करूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि HTML के पेज पे जाके तीनों का लिंक अलग अलग लगा दूँ, ये भी पॉसिबल है, तो ये दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। लिंक के ज़रिए मल्टीपल स्टाइल शीट और इम्पोर्ट के ज़रिए, दोनों इसने बता दिया कि भाई दोनों तरीके हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम इमेज, कंट्रोलिंग द साइज ऑफ इमेज, आपको पता है जितने भी बॉक्स होते हैं हर किसी का साइज होता है, अलाइनिंग इमेज इन CSS, एडिंग बैकग्राउंड इमेजेस, तो ये दो वाला जो है शुरू के जो दो पॉइंट्स है ये तो हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमें दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अलाइनिंग इमेज हम करते हैं किससे, फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स इमेज को भी एज अ बॉक्स ट्रीट करता है, तो वो अलाइन हो जाता है ईजिली बहुत, तो हम डायरेक्ट चलते हैं बैकग्राउंड इमेज के ऊपर, जो कि थोड़ा सा यूज़ होता है ज़्यादा। रिकनेक्ट, अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं सीधा बैकग्राउंड इमेज पे, सही है जी, बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी अलाउ यू टू प्लेस एन इमेज बिहाइंड एनी HTML एलिमेंट, दिस कुड बी एंटायर पेज और जस्ट पार्ट ऑफ पेज, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज विल रिपीट टू फिल द एंटायर बॉक्स। अच्छा, एक तो बैकग्राउंड इमेज के बारे में इसने ये बात बोली कि किसी भी HTML के पीछे उसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ मैं, क्या मैं ये काम बैकग्राउंड इमेज के अलावा भी किसी तरीके से कर सकता हूँ, जेड इंडेक्स से भी कर सकता हूँ, मैं एक इमेज को फिक्स कर दूँ HTML के पेज पे, फिक्स कर दूँ उसकी विड्थ 100% कर दूँ और उसका जेड इंडेक्स मैं माइनस कर दूँ, तो वो मेरे मौजूदा HTML के पीछे चला जाएगा। अगर मैंने उसको डिम वगैरह करना है तो उसकी ओपेक्सिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा मैं, ताकि वो थोड़ा डिम फील हो, तो ये काम मैं बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ किए बगैर भी कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगा, वो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बैकग्राउंड इमेज की एक सिमेंटिक वैल्यू है, ठीक है। सिमेंटिक वैल्यू क्या है उसकी भला, कि अगर एक इमेज का टैग होगा ना, भले वो बैकग्राउंड जेड इंडेक्स माइनस करूँ कुछ भी करता रहूँ मैं, वो एक इमेज का टैग होगा और मशीन उसको एज अ इमेज समझेगी और उसमें अल्टरनेट का टेक्स्ट भी मांगेगी मशीन मेरे से, और जब स्क्रीन रीडर उसको पढ़ेगा ना तो उसको अल्टरनेट टेक्स्ट पढ़ के बताएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है HTML के फ्लो में, कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है, वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, तो जब स्क्रीन रीडर उस पेज को पढ़ रहा होगा तो उसको बैकग्राउंड इमेज को एक्सप्लेन करेगा अल्टरनेट टेक्स्ट के ज़रिए, जबकि जो विजुअल यूज़र है उसके लिए वो बैकग्राउंड इमेज होगी, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। इसको हमें ख़त्म करने के लिए बैकग्राउंड इमेज इज़ अ डिफरेंट चीज थिंग।
अच्छा बैकग्राउंड इमेज में फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बैकग्राउंड इमेज लगाते वक्त, सही है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो जेड इंडेक्स माइनस करके वो काम हो नहीं सकते, सही है। जेड इंडेक्स माइनस करके अगर मैंने वो काम कराने तो वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाते हैं थोड़े। मिसाल के तौर पे क्या है, वो कह रहा है कि आपने ना ये एक ये वाली इमेज लगाई है जो साइड पे छोटी सी बनी हुई आ रही है ना चकोर सी, वो इमेज लगाई है आपने, और इमेज जब लगाई है तो ये पूरे बैकग्राउंड में आ गया, तो वो असल में ये रहा है कि वो एक ही बैकग्राउंड को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसने बोला है कि भाई बैकग्राउंड इमेज विल रिपीट टू फिल द एंटायर बॉक्स। अच्छा ये जो इमेज है ये खास तरह की इमेज है, इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं कोई बता सकता है? टेक्सचर भी कहते हैं इसको, कहते हैं टाइल, सही है। टाइल अक्सर देखा होगा तुमने इमेज में, स्क्रैच फिल टाइल आ रहा होता है, टाइल करने से क्या होता है पूरे पे स्क्वायर 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 बन जाता है, तो एक खास तरह की इमेज होती है जो टाइल के तौर पे लगाने के लिए बनी हुई होती है। उसका उसकी क्वालिटी क्या होती है कि जब वो रिपीट होती है ना तो वो रिपीटिंग पैटर्न होता है। आपको यहाँ पे इस बैकग्राउंड इमेज में आपको ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा होगा कि ये चार पांच इमेजेस हैं, आपको लग रहा है ये एंटायरली एक इमेज है। जो घरों में भी टाइल लगता है ना आपके, तो घरों में जो टाइल लगाते हैं हम उसको गौर से देखोगे ना तो जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से ख़त्म हो रहा है वो एक जैसा टेक्सचर होता है, और वो लगने के बाद लगता है कि ये एक ही इमेज है अगर अच्छे से लगाया हो। बाई द वे अच्छे से टाइल लगाने वाले हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, हमारे यहाँ बल्कि उल्टा हिसाब किताब है, वो टाइल जो होती है वो ही सही नहीं होती, उसी का टेक्सचर उल्टा होता है, वो मतलब देख के लग रहा होता है कि अच्छा ये रिपीटिंग है, हालांकि ये जो टाइल होती है उसको बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा होना चाहिए कि ये एक टाइल है जो यहाँ पर है, और लगने के बाद ना किचन में जब वो लग जाए टाइल तो फील नहीं होना चाहिए कि इसका जॉइंट है कहाँ, दूर से देखते हुए फील नहीं होना चाहिए। वो हमारे यहाँ टाइल की दुकान में एक दफ़ा गया, मैंने कहा यार ये पैटर्न क्यों ऐसा है, कह रहा है ऐसा ही होता है ये, तो मैंने कहा टाइल का तो मकसद ही फौत हो गया, फिर टाइल का मकसद क्या है फिर? तो वेल फिर मैंने एक ऐसा जेनेरिक कलर लिया जिसमें वो रिपीटिंग पैटर्न था, तो उसमें भी खैर वही वाला रिपीटिंग पैटर्न था लेकिन वो सही तरह एडजस्ट नहीं हुआ हुआ था। वेल तो मैंने ऐसा वाला चूज़ किया जिसमें बहुत ज़्यादा फील ना हो। नहीं मस्जिदों में तो असल में मार्बल लगा हुआ होता है ज़्यादातर, नहीं हाँ जैसे ये फर्श में लगा हुआ है ना ये तो मार्बल है, इसमें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर मार्बल की जो टाइल होती है क्योंकि वो नेचुरली बना हुआ होता है, मार्बल पहाड़ों में से निकलता है तो उसमें नेचुरली हर टाइल का एक अलग टेक्स्चर है, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो ये टेक्स्चर जो है ना प्रिजर्व भी कर लेते हैं कुछ लोग, हाँ इसमें भी टेक्स्चर जो ये बना हुआ है ना ऐसे सीधा सीधा इसको भी प्रिजर्व कर लेते हैं, वो एक पत्थर में से पूरा एक पीस निकालते हैं और उसकी टाइल बना के उसको लगाते हैं, वो आप कभी देखेंगे ना वो महलों वगैरह में लगे हुए होते हैं, मलका विक्टोरिया विक्टोरिया के वो महल का आप देखेंगे ना डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ नज़र आएगी कि वो मार्बल के पीस लगे हुए हैं बट उसमें टेक्स्चर बिल्कुल इवन है, तो वो बड़े लोगों के बड़े शौक होते हैं फिर, वो पूरा एक पत्थर होता है ना जो उसमें से वो पीस निकालते हैं एक ही पीस और वो एक जैसा टेक्सचर होता है, फिर वो फील नहीं होता कि अलग अलग टाइल, ऐसा लगता है वो सिंगल पत्थर है पूरा। अच्छा ये तो बाई डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है ना कि बैकग्राउंड इमेज विल रिपीट टू फिल द एंटायर स्क्रीन, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब नीचे कैसे कैसे चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट की जो पॉसिबल जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो रिपीट है, रिपीट एक्स है, रिपीट वाई है और नो रिपीट है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ ना हॉरिजॉन्टली एक दफ़ा रिपीट हो, जैसे कि इन्होंने ये किया हुआ ऐसे, हाँ ये एक लाइन में पहली लाइन में सिर्फ रिपीट हुई है, रैप होके नीचे नहीं आई है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, रिपीट एक्स, सही है, देखो रिपीट एक्स यहाँ पे बोला हुआ है। अच्छा अगर मैं बोलूँगा रिपीट वाई तो ये वर्टिकली रिपीट होगा, एक के नीचे, और अगर मैं सिर्फ रिपीट बोलूंगा इसका मतलब है एक्स वाई दोनों पर रिपीट करना है, तो वो ऐसे भी रिपीट होगा, नीचे की तरफ भी रिपीट होगा और पूरा फिल हो जाएगा जैसे कि ये वाला है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इस पर क्या लगा हुआ होता है, ये वाला लगा हुआ होता है रिपीट, कि हर डायरेक्शन में वो रिपीट होगा। नो रिपीट से क्या होगा, वो सिंगल दिखेगा सर, कोई रिपीट नहीं होगी, एक ही टाइल दिखेगी, ठीक है। अच्छा नो रिपीट हम आमतौर पर किस केस में लगाते हैं, जब हमारे पास कोई सीनरी टाइप की कोई चीज़ हो, कोई बड़ी इमेज हो, ठीक है, तो उस केस में हम लगाते हैं। अच्छा वैसे कोशिश हम ये करते हैं कि बैकग्राउंड इमेज में हम
या तो टाइल लगाएं जो रिपीटिंग पैटर्न हो, या तो हम उसके अंदर ना अगर कोई हमें टेक्सचर बनाना है या कोई ऐसी चीज़, तो सम टाइम एक पिक्सल काटते हैं, एक पिक्सल का स्लाइस काटते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक वो होगा मिसाल के तौर पे 400 पिक्सल, बट उसकी विड्थ जो होगी वो 1 पिक्सल होती है, और उसको हम 1 पिक्सल को लगा के उसको रिपीट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि इमेज का साइज़ हमारा बहुत कम होता है, तो ये भी तरीका किया जाता है। उसके अलावा अब ये स्लाइस काटने वाले काम का ना एक और भी तरीका आ गया, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इमेज पूरी बना देता है वो बैकग्राउंड में, भी वो आगे डिस्कस होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने देखो एक फूल लगाया हुआ है यहाँ पर, अब ये फूल जब इन्होंने लगाया बैकग्राउंड में तो इस पर इन्होंने कहा है नो रिपीट। अच्छा, बैकग्राउंड अटैचमेंट करके एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज़ फिक्स और स्क्रॉल, ये दो चीज़ें कह रहे हैं। फिक्स अगर आप करोगे, अच्छा बैकग्राउंड अटैचमेंट है क्या, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्पेसिफाई वेदर अ बैकग्राउंड इमेज शुड स्टे इन वन पोजिशन और मूव एज द यूजर स्क्रॉल अप एंड डाउन टू द पेज, इट कैन हैव वन ऑफ टू वैल्यूज। जब यूजर स्क्रॉल करे तो क्या बैकग्राउंड इमेज पेज के साथ साथ स्क्रॉल हो जाए, या वो फिक्स रहे अपनी जगह पे खड़ी रहे और कॉन्टेंट ऊपर नीचे हो, तो ये दो प्रॉपर्टी है। इन्होंने लगाया है फिक्स, इसका मतलब क्या है कि फूल अपनी जगह रहेगा, कॉन्टेंट ऊपर नीचे होता रहेगा, फूल अपनी जगह रहेगा। पोजीशन फिक्स बोले तो इसकी नहीं, वो तो देखो वो वाली पोजीशन ना इमेज के एलिमेंट पे लगेगी, ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है। इस बैकग्राउंड इमेज को आप एचटीएमएल के एलिमेंट में ढूंढोगे ना नहीं मिलेगा, जो गूगल क्रोम का डेवलपर टूल है ना, सेलेक्ट एन आइटम, सेलेक्ट एन एलिमेंट जो है, उससे करोगे नहीं मिलेगा ये, ना इस इमेज एलिमेंट पे आप कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी सेलेक्टर के जरिए नहीं लगा सकते आप, सही है। तो ये बैकग्राउंड इमेज इज डिफरेंट थिंग, वो शुरू में मैंने इसीलिए डिस्कस किया कि इमेज के एलिमेंट से भी मैं ये काम कर सकता था, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि उसकी सेमेंटिक वैल्यूज अलग है, इसकी अलग है। अच्छा, बैकग्राउंड पोजीशन जो अभी तुम कह रहे हो कि मैं फिक्स लगा दूंगा वो वाला, तो वो बैकग्राउंड पोजीशन ये इसका मतलब है कि सेंटर या टॉप या बॉटम, ये मकसद है इसका यहाँ पर, वो पोजीशन एब्सोल्यूट फिक्स वाला नहीं है। अच्छा, तो ये सारी बैकग्राउंड जो इमेज है ना उसकी प्रॉपर्टी सारी ये यहीं पर डिस्कस हो रही है, और ये सीएसएस से ही लगेगी उसी हाथ के हाथ। अच्छा, तो ये कौन सी पोजीशन रखनी है, सारी लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, इसमें से कोई भी पोजीशन आप रख सकते हैं इस बैकग्राउंड इमेज की। अच्छा, शॉर्ट हैंड है कि भाई तीनों चारों चीज़ें एक साथ पास कर दो, शॉर्ट हैंड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज रोल ओवर्स एंड स्प्राइट्स, यूजिंग सीएसएस इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ लिंक और बटन that changes to a second style, सही है। ये कह रहा है कि अब CSS के जरिए ना आप ये कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट पे जब आप हवर करें तो वो क्या करें, move to a different style, second style known as rollover, एंड थर्ड स्टाइल वेन क्लिक ऑन इट। तो ये रोल ओवर वाला भी काम कर सकते हैं आप। अब ये रोल ओवर इसने कैसे करके बताया है, यहाँ पे देखो ए डॉट बटन, एंकर टैग के अंदर कोई बटन की क्लास जिस पे लगी हुई है उसकी हाइट रखो इतनी, बैकग्राउंड इमेज लगा दो इतना, टेक्स्ट इंडेंट इतना कर दो, ठीक है। ये इंडेंट का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज में ही वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो एक्चुअल टेक्स्ट इनको स्क्रीन पर दिखाना है, उसको इंडेंट करके बाहर कर दिया स्क्रीन से, ठीक है। डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ये हो गया, एक बटन पूरा तैयार हो गया ये। अच्छा, उसके बाद इसने बोला कि भाई ऐड टू बास्केट, अच्छा ये दो अलग अलग बटन है असल में, इसका रिजल्ट इन्होंने नहीं दिखाया। अच्छा, ये दिखाया है रिजल्ट इन्होंने, ठीक है। कंप्लीट इमेज स्प्राइट के होवर करने पे कुछ और कलर है और क्लिक करने पे कुछ और कलर है। अच्छा, ये कैसे होता है, कौन बताएगा, होवर पे और इस पे अलग अलग स्टाइल कैसे लगता है भाई, होवर के सूडो क्लास से लगता है, ठीक है। तो ये इमेज इस पर देखो, होवर करके इसने बोला कि यार पोजीशन चेंज कर दो। अच्छा, फिर होवर करके इसने बोला कि यार क्या कर दो। अच्छा, ये दो बटन है ना, दोनों पे होवर लगा रहा है, फिर दोनों पे एक्टिव लगा रहा है, सही है। तो दोनों तीनों चीज़ें करके ये इसको इमेज स्प्राइट का इसने नाम दिया हुआ है। वेल, अच्छा ये है वो CSS ग्रेडियंट जो CSS 3 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। आमतौर पर इस काम को करने के लिए पहले लोग क्या करते थे, एक पिक्सल की इमेज काटते थे, उसको रिपीट करते थे, तो उससे वो ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाता था।
अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर एक सेट करते हैं और बैकग्राउंड इमेज करके यूआरएल देके हम पीएनजी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इमेज काम करेगी एज अ फॉल बैक, एज अ फॉल बैक ये उस सूरत में काम करेगी जिन ब्राउजर्स में ये CSS3 की नई वाली प्रॉपर्टी सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। CSS3 वैसे तो अभी सब जगह सपोर्टेड होगी, तो हमें उस पर जाके देखना पड़ेगा MDN पे, जो सपोर्ट का नीचे एक चार्ट बना होता है कि ये प्रॉपर्टी अभी कौन कौन से ब्राउज़र पे सपोर्टेड है और कौन से ब्राउज़र पे मुझे ऐसे मॉज करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। वेब किट लीनियर ग्रेडियंट ऐसे करके लगाना पड़ेगा या सिर्फ ग्रेडियंट करके चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग इसने बताया है कि वेब किट ग्रेडियंट, वेब किट लीनियर ग्रेडियंट और ओ लीनियर ग्रेडियंट। अब ये जो इमेज बैकग्राउंड इमेज है ना ये वाला, हम इसको जाके ज़रा सर्च करते हैं उधर कि ये ग्रेडियंट कौन कौन से वाले पे ना सपोर्टेड है, MDN और साथ में ये बैकग्राउंड इमेज, सही है। इसने देखो यहाँ पे एक बनाकर दिखाया है, एक इमेज विमेज लगाकर दिखाई भी है, ग्रेडियंट नहीं लगाकर दिखाया इसने। GRAD होता है ना, GRAD, सही है, लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ नीचे कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्कस किया हुआ होगा कि भाई ये सपोर्ट ना कौन कौन से ब्राउज़र में इसकी है, ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी, ये रहा। तो ये ग्रेडियंट जो है ये तकरीबन तमाम ब्राउज़र्स में मौजूद है, लेकिन इसमें स्टेरिक्स जो बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे गूगल क्रोम पे एक स्टेरिक बना हुआ है, सम वर्जन सपोर्ट ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रेडियंट, ठीक है। जहाँ जहाँ स्टेरिक बना हुआ है मतलब कुछ ना कुछ कैच है उसमें। फायरफॉक्स पे हम देखते हैं क्या स्टेरिक लगा हुआ है, 3.6 से ऊपर वाले पे रिलीज है, सम वर्जन एक्सपेरिमेंटल प्रीफिक्स मॉज, तो ये मॉज लगाना पड़ेगा इसमें, डैश मॉज। सफारी पे देख लेते हैं क्या वो है, ठीक है, सम वर्जन डैश वेबकिट, बस सही। तो वेबकिट और मॉज दोनों लगेगा, बुक में जो 2009 में इसने लिखा था ना वो आज तक वहीं खड़े हुए, सही है। तो इस तरह करके हम लगाते हैं और ये ग्रेडियंट तैयार हो जाता है। अच्छा, आप ग्रेडियंट की जो वैल्यूज़ हैं उस पे ज़रा गौर करो कि क्या चीज़ है ये। ओके, एक ये वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, ये तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड किया हुआ है। वेल, ये ग्रेडियंट वाला ना MDN से ही पढ़ना, मुझे लग रहा है कि मे भी कुछ चेंज हुआ होगा। देख रहे हो इसमें कितना डिफरेंस है कि फायरफॉक्स 3.6 वाले पे इसने एक कलर दिया है और दो कलर दिया, दैट्स इट, ऑटोमेटिक वो ग्रेडियंट बन गया। बट जो सफारी पे और क्रोम पे इसने दिया है उसमें लीनियर का भी जिक्र किया और परसेंटेज भी दिया है दो करके, फिर फ्रॉम और टू करके दो कलर अलग से दिए, ठीक है, और रिजल्ट तीनों पे ये सेम इस तरह से जनरेट हुआ है। तो बैकग्राउंड पे हम ग्रेडियंट भी इस तरह करके लगा सकते हैं, या अगर हम चाहें तो पुराना तरीका, वो स्लाइस काटने वाला, वो पुराना हो गया, डिज़ाइनर अब उसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो डिज़ाइनर के लिए मेहनत हो जाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्रेडियंट है वहाँ पे स्लाइस काट काट के आपको देना पड़ता है उसको। अच्छा जी, बैकग्राउंड इमेज के कंट्रास्ट की यहाँ पे बात हो गई कि हाई कंट्रास्ट हो सकता है, लो कंट्रास्ट हो सकता है, ठीक है। लास्ट में इसने एक वेबसाइट बनाई है यहाँ पे और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, HTML5 लेआउट का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, HTML5 में जो लेआउट के टैग्स हैं वो हमने यहाँ से देखे थे एक दफ़ा आकर, तो वो कुछ इस तरह से टैग्स HTML5 में, ये आपके पास बेनिफिट है कि किसी भी नाम से आप टैग लिखेंगे तो वो आपको मना नहीं करता, अगर उस नाम का टैग HTML5 में मौजूद नहीं है तो उसको डिव के तौर पर डिस्प्ले कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये एक क्लासिक लेआउट का तरीका है HTML5 के अंदर, जिसमें आपके पास हेडर होंगे, आर्टिकल होगा, फुटर होगा, असाइड होगा। अगर साइड में आपने कोई चीज़, ज़रूरी नहीं है कि असाइड आपने बनाना ही बनाना है, ठीक है, साइड में कोई चीज़ आ रही होगी तो वो असाइड होगी, अगर आपने नहीं लगाया असाइड तो खैर। अब ये हेडर फुटर के बारे में ये मजमून लिखा है इसने बड़ा सारा, ये आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है। नेविगेशन बार कह रहा है कि ऐसे ही बनाना है हर दफ़ा, ठीक है, नैव होगा, उसके अंदर UL होगा, उसके अंदर LI होगा और LI के अंदर एंकर टैग होगा, ठीक है। ऐसे क्यों बनाना है, क्योंकि इसके सिमेंटिक वैल्यूज़ हैं वो, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है इसने बात की है, ठीक है, होपफुली पढ़ लिया होगा आपने। कौन ऐसा है जिसने ये पढ़ लिया है,
कोई मुझे बता सकता है कि यार इसने क्या बात लिखी है? अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वही बता पाएगा ये आर्टिकल के बारे में इसने ये क्या लिखा है, ये एक एक टैग के बारे में ना ये पूरा पूरा मजमून है, देख रहे हो? ये पढ़ना है तुम लोगों को, ये पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या चक्कर है। वो एक बार आप आपके पास डेटा आ जाता है ना एक बार, तो वो अल्टीमेटली फिर जितनी भी आप आगे डेवलपमेंट करेंगे आपको पता होगा कि ये क्या कर रहा होगा, ठीक है? अदरवाइज वो हिट एंड ट्राई का चक्कर होगा, हिट एंड ट्राई हो रहा होगा आपका ये। ठीक है, सेक्शन, किसी ने मुझसे पिछली क्लास में पूछा था कि सर सेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो वो यहाँ से आपने पढ़ लेना है कि क्या होता है सेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिगर कैप्शन का इसने पहले भी जिक्र किया था जब इमेजेस पढ़ रहे थे गालवन वहाँ पे, तो इसने कहा भाई कहीं पे आप फिगर कैप्शन लगा रहे हो ना, तो अगर ऐसे लगा दो तो सही है, और इसको लगाने का भी क्या रीज़न है, सिमेंटिक वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, स्टाइलिंग तो आप इसको बगैर फिगर कैप्शन के भी कर सकते हैं, डिव लगाएंगे तो भी स्टाइलिंग हो जाएगी। अच्छा, ये कह रहा है कि फिगर कैप्शन के अंदर ना आपने क्या क्या लगाना है, इमेजेस भी इसमें लगानी है, वीडियोस भी आपने कोशिश करनी है इसमें लगाएं, आप ग्राफ, डायग्राम, कोड सैंपल्स और टेक्स्ट दैट सपोर्ट द मेन बॉडी ऑफ एन आर्टिकल, सही है? इन सबको आपने फिगर कैप्शन करके ट्राई करना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेक्शनिंग एलिमेंट्स, डिव के जरिए सेक्शन करते हैं हम एलिमेंट को, लेकिन उसके बारे में अब ये क्या कह रहा है, इट मे सीम स्ट्रेंज टू फॉलो दीज न्यू एलिमेंट्स बाई रिविजिटिंग द डिव एलिमेंट अगेन। कह रहा है हम तो ये नए एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना, आप सारे हेडर की जगह हेडर के नाम से एलिमेंट लिखते हैं, कह रहा है लेकिन डिव अभी भी काम करेगा, कुछ जगहों पे डिव की हमें जरूरत है। आफ्टर ऑल न्यू एलिमेंट्स ऑफन गोइंग टू बी यूज्ड इट इज इट्स प्लेस, कह रहे हैं कि न्यू एलिमेंट आ गए, डिव जहाँ जहाँ हर जगह डिव ही लगता था उसमें नए एलिमेंट्स आ गए। हाउ एवर द डिव एलिमेंट विल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट वे टू ग्रुप टुगेदर रिलेटेड एलिमेंट्स बिकॉज यू शुड नॉट बी यूजिंग दीज न्यू एलिमेंट दैट यू हैव जस्ट मेट फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। अब कह रहे हैं एक नैव था मिसाल के तौर पर, पहले हम नैव में डिव लगाते थे, अब उसके लिए नैव करके एक एलिमेंट आ गया, तो वहाँ पे तो चलो डिव नहीं लगाते हम नैव लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे पेज में नैव लगाओगे आप, कहीं और पे आपको कोई सेक्शन अलग करना पड़ गया, दो डब्बे बनाने पड़ गए अलग अलग, जो हम फ्लैक्स बॉक्स में हमने देखा है काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी कि भाई दो एलिमेंट को दो अलग अलग डब्बों में रखा उसके बाद जस्टिफाई करते हैं, तो वहाँ पे तो फिर नैव नहीं लगा सकता मैं वो, क्योंकि नैव का तो एक अपना सिमेंटिक मतलब है। वेयर देयर इज नो सूटेबल एलिमेंट टू ग्रुप अ सेट ऑफ एलिमेंट द डिव विल स्टिल बी यूज्ड। In this example, it is used as wrapper for the entire page. कह रहा है entire page को ना एक div में pack किया हुआ है, और मे भी इसको जो है वो flexbox, ठीक है, मे भी flexbox बनाते हुए आपको इस तरह करने की जरूरत पड़े कि भाई आप body के अंदर ना एक ही div हो पूरी बॉडी के अंदर, और उस डिफ पे आपने सेंटर वेंटर कुछ किया हो या फ्लैक्स बॉक्स लगा के आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हो, ठीक है, क्योंकि 1000 पिक्सल वाला करेंगे अगर आप तो 1000 पिक्सल कैसे करेंगे लिमिट, उसको बॉडी के अंदर एक डिव होगा जो 1000 पिक्सल विड्थ होगी जिसकी, इसी तरह करके करेंगे, तो इस तरह करने की ज़रूरत आपको कई दफ़ा पड़ सकती है। हाँ, नहीं स्क्रॉलर क्यों आएगा, स्क्रॉलर नहीं आएगा, मैक्सिमम विड्थ आप 1000 पिक्सल करेंगे तो स्क्रॉल क्यों आएगा, मैं सवाल शायद समझा नहीं, रिपीट कर सकते हैं सवाल? अबे बताओ ना, अभी सब सबके लिए वो हो जाएगा, क्या करने से स्क्रॉल आएगा, ये डिव लगाने से, हाँ देखो समझा देता हूँ मैं कि 1000 पिक्सल लगाने से स्क्रॉल कब आएगा और कब नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि मेरी बॉडी के अंदर एक डिव होगा जिसकी विड्थ 1000 पिक्सल होगी, तो अगर मेरी स्क्रीन 1000 पिक्सल से छोटी है तब स्क्रॉल आएगा, अगर स्क्रीन मेरी 1000 पिक्सल से बड़ी है तब स्क्रॉल नहीं आएगा। अच्छा, फिर मैं डिव सिर्फ बना नहीं रहा हूँ, उस डिव को पूरे को मैं सेंटर भी करूँगा, तो मेरा पूरा कंटेंट सेंटर में आएगा, तो अगर मेरी स्क्रीन 1400 पिक्सल की है तो उसमें क्या होगा, 1400 पिक्सल में 1000 की मेरे वो बीच वाली डिव होगी और दोनों साइडों में थोड़ा थोड़ा ब्लैंक स्पेस होगा। अच्छा, अगर ये 1000 पिक्सल से छोटी स्क्रीन पे खुलेगा ना तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाएगा, जो कि सही चीज़ नहीं है, ठीक है।
अच्छा ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम विर्थ नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैक्सिमम विर्थ। तो मैक्सिमम वो 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब स्क्रीन छोटी होगी ना तो वो छोटा ज़रूर होगा साथ साथ, फिर स्क्रॉल नहीं आएगा। सही है। अच्छा मिनिमम भी हमें कहीं ना कहीं लिमिट करना है उसको। मिनिमम विर्थ भी सर मैं बोलूँगा कि 700 पिक्सल, कि भाई 700 से छोटा नहीं होना आपने। 700 से छोटा होने पर फिर मीडिया क्वेरी लगी हुई होगी और वो आपको रिडायरेक्ट कर देगी किसी दूसरी वेबसाइट पर। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम विड्थ का इस्तेमाल करना है स्क्रॉल से बचने के लिए। अच्छा ये भी यूनिट्स है, जैसे ईएम हमने एक यूनिट पढ़ा था, वीएच जो है वो वर्टिकल हाइट है, ठीक है, जो स्क्रीन की वर्टिकल हाइट इस वक्त जो भी दिख रही है ना वो वीएच, 100 वीएच होती है वर्टिकल जो भी हाइट होती है। अगर मैंने बोला है कि वी एच 10, तो इसका मतलब है कि जो भी वर्टिकल हाइट है उसका 10%। ठीक है, ओल्डर ब्राउजर को अभी हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, प्रोसेस एंड डिजाइन, डिज़ाइन की डिस्कशन एक दफ़ा हमने की थी कि डिज़ाइन इज़ व्हाट, समथिंग फंक्शनल। सही है, जब तक कोई चीज़ फंक्शनल नहीं होती उसको हम डिज़ाइन नहीं कहते। ठीक है, तो ये जो दौर चल रहा है ये फंक्शनल डिज़ाइन का दौर चल रहा है। ये जो ग्लासेस मैंने पहनी हुई है इसका जो डिज़ाइन है ये ऐसा जो बनाया गया है इसको, इसका एक फंक्शन है। ठीक है, इसको लाइट वेट रखा गया है बाई डिफ़ॉल्ट, ये ऐसा इत्तफाकन नहीं हो गया, जो बाई डिफ़ॉल्ट चश्मे लाइट वेट होते हैं ये जानबूझ के रखा गया है उसको, क्योंकि इसका एक पर्पस है। ठीक है, हवाई जहाज़ के जो दो पर होते हैं दोनों साइड पे वो खूबसूरती के लिए नहीं है, उसका एक डिज़ाइन का एक पर्पस है। ठीक है, उसमें फ्यूल भी स्टोर हो जाता है, वो हवा को पुश करने में भी मदद देता है, उसी की वजह से प्लेन ऊपर नीचे जो होता है, हवा में ऊपर जाता है और नीचे आता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा है लेकिन पैसेंजर प्लेन के ऊपर पंखा नहीं होता, उसके साइड में पंखा होता है। तो दीज डिफरेंट डिज़ाइन, ऑल ऑफ दीज डिज़ाइन आर फंक्शनल। ठीक है, जो हाथ में पहनने वाली घड़ी है वो छोटी होती है, वॉल क्लॉक बड़ी होती है, क्योंकि हाथ में पहनने वाली घड़ी को आप 1 फिट की दूरी से देखते हैं, लेकिन वॉल क्लॉक को आप शायद 10-12 फिट 15 फिट की दूरी से देखते हैं नॉर्मली। तो इसलिए उन दोनों के साइज़ में, उस पर लिखे हुए फॉन्ट में फ़र्क होता है। तो एवरीथिंग, अच्छा हाउ टू अप्रोच हैंडलिंग बिल्डिंग अ साइट, कि एक वेबसाइट को बनाने की अप्रोच क्या होगी, कैसे हम इस चीज़ को शुरू करेंगे और कैसे ख़त्म करेंगे। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड देयर नीड्स, आपकी ऑडियंस कौन होगी, कितने साल की होगी, मेल होगी फीमेल होगा, सही है, या क्या कहते हैं किस रीजन में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या पसंद होता है, चाइनीज़ हैं, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है। हाउ टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विजिटर्स वांट टू सी, ठीक है, आ जाते हैं जल्दी से आगे हम। ये इन्होंने एक जो है ना क्लासिक CMS दिखाया है कि भाई ये CMS कुछ इस तरह का होता है। हु इज़ दिस साइट फॉर, अब ये जो है ना थोड़ा सा वो वाला टॉपिक है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये वाला जो चैप्टर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फ्यूचरिस्टिक चैप्टर है, अभी आप पढ़ेंगे तो शायद आपको इतना फील ना हो, लेकिन अल्टीमेटली ये वाली बातें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी फ्यूचर में। ठीक है, अब ये टारगेट ऑडियंस जो है ना इंडिविजुअल्स अगर आपके हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, व्हाट इज़ देयर ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं वो। ठीक है, डू दे लिव इन अर्बन और रूरल एरिया, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर दो फैक्टर है कि क्या करता है और कहाँ रहता है, अगर कोई किसान है और वो उसके अपना फार्म है उसका, तो उसके लिए जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा वो डिफरेंट हो सकती है एक AC वाले रूम में बैठे हुए कमरे में, और जो सॉफ्टवेयर डिवेलपर है या ब्यूटिशन है या म्यूज़िक डायरेक्टर है उसके लिए जो वेबसाइट है, और एक किसान के लिए जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, दोनों का जो हाथ है उसमें फ़र्क है, ठीक है, सोच में भी फ़र्क है,
और दोनों को जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें भी फ़र्क है। तो इतनी सारी चीज़ें जब फ़र्क हो जाती हैं तो ये वाली जो टारगेट ऑडियंस है ना, ये आपको पूरी पता होगी तो आप अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। मे बी अगर कोई फार्मर है और वो कोई वेबसाइट आपने बनाई है उसके लिए, तो वो फार्मिंग करते करते उसको यूज़ करेगा मे बी, ठीक है, कहाँ बैठ के यूज़ करेगा उसको? फार्मिंग करते करते करेगा तो हो सकता है अगर वो फील्ड में हो तो धूप होती है फील्ड में, तो धूप का मतलब है कि आपको टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा और थोड़ा कंट्रास्ट ज़्यादा रखना पड़ेगा वरना धूप में नज़र नहीं आएगा। तो ये वाली सारी बातें ये हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, 2 से 3 दफ़ा ये कंट्रास्ट वगैरह ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अगर टारगेट ऑडियंस आपकी कंपनी है तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ कंपनी और रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट हैं उसमें, ये कितने ज़्यादा लोग उसमें काम करते हैं, इस पर मैटर करता है। जैसे अटेंडेंस ऐप अगर हम सैलानी के लिए बना रहे हैं तो सैलानी में कितने लोग आते हैं दिन में, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये पता होना ज़रूरी है आपके लिए अगर एक वेबसाइट आप बना रहे हो तो, या कोई अटेंडेंस ऐप बना रहे हो तो। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पीपल इन द कंपनी हु विजिट योर साइट, क्या आपका चौकीदार माली जो वर्कर वो विजिट करेगा आपकी वेबसाइट, या डायरेक्टर लेवल के लोग करेंगे, मैनेजर्स डायरेक्टर्स उसको विजिट करेंगे, या दोनों करेंगे? जैसे अटेंडेंस सब लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्टर भी, माली भी, चौकीदार भी, सब लगाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए बात। अगर तो डायरेक्टर लेवल का कोई बंदा उसको यूज़ कर रहा है तो उसमें यूज़ होने वाली वोकैबलरी जो है वो उनके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर माली चौकीदार ये भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अंग्रेज़ी के साथ उर्दू भी होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, ठीक है। फिर कुछ साथ साथ उसमें साइन लैंग्वेज भी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल माली चौकीदार जो जमादार सब यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे उनको उर्दू भी ना आती हो, तो उसमें कुछ साइन लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो क्या करेगा, अटेंडेंस लगाएगा आगे, तो उसमें जहाँ पे फेस स्कैन है वहाँ पे एक फेस की तरह का बना हुआ रहा हो कि फेस यहाँ रखना है, ऐसे स्कैन होता है, ठीक है। या कहीं पे अगर कैमरे से QR कोड स्कैन हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे वो QR कोड की एनिमेशन चलती भी हो कि अच्छा यार यहाँ रख के स्कैन करना है, ठीक है। कहाँ पे अगर फिंगर लगाना है तो फिंगर रखने की जगह आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में जो अटेंडेंस सिस्टम होता है वो पूरे हाथ के जैसा बना हुआ होता है यूँ, और उस पर हाथ रखते हैं तो वो पाँचों का फिर पता नहीं फिंगर प्रिंट लेता है क्या करता है, तो वो हाथ की तरह बना हुआ होता है, ये हाथ रखना है। तो साइन लैंग्वेजेस टाइप की चीज़ या आइकॉन्स ऐसे होते हैं जिससे वो उसको समझ आ जाए कि यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। तो ये टारगेट ऑडियंस हमने देखा कि बहुत फ़र्क पड़ता है इससे आपके सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन में, ओवरऑल जो भी चीज़ें हो रही होंगी उसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, एज का जो जेंडर है, जो इसने 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को लिया है एज अ एग्जाम्पल, और उनका जेंडर, एज, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम और वेब यूज़ ये लिखा है, एक टारगेट ऑडियंस सेट की है इसने एज अ एग्जाम्पल। आपके केस में ये टारगेट ऑडियंस डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, क्या लिखा है इसने, इन्वेंट सम फिक्शनल विजिटर्स टू योर टिपिकल टारगेट ऑडियंस, दे विल बिकम योर फ्रेंड्स, दे कैन इन्फ्लुएंस योर डिज़ाइन डिसीजन फ्रॉम कलर पैलेट टू लेवल ऑफ द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेवल ऑफ डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन मतलब के लेवल ऑफ डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन मतलब अटेंडेंस की ऐप है तो उसमें एक स्क्रीन खुली हुई है, बंदा आएगा QR कोड स्कैन करेगा। अब QR कोड स्कैन करने के बाद वहाँ पे उसकी फोटो बनी भी आती है, ठीक है, और ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाता है, इससे उसको पता चलेगा कि उसकी अटेंडेंस हो गई है। अच्छा, क्या मुझे यहाँ पे ये बात लिखनी चाहिए कि अगर 5 सेकंड तक अगर आपकी फ़ोटो नज़र ना आए स्क्रीन पे तो आप दोबारा ट्राई करें, क्या मुझे ये लिखना चाहिए? ये मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस बताएगी, ठीक है, कि क्या ये लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर इसके लिए सर्वेज किए जाते हैं, जैसे इस तरह ये इसने ऑडियंस बनाई है, इस तरह रियल लोग इकट्ठे किए जाते हैं कि अच्छा ये लोग इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर सैलानी के लिए मैं अटेंडेंस की ऐप बना रहा हूँ या किसी कंपनी के लिए अटेंडेंस की ऐप, तो उस कंपनी में से रैंडमली 5 लोगों को बुलाकर उनको वो यूज़ करवाया जाएगा कि यार इसको यूज़ करो, और वो अगर वो कन्फ्यूज़ होगा कि भाई यार ये क्या लिखा होगा यहाँ पर, मैं क्या करूँ, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डिटेल ज़्यादा कर दी है मैंने या कम हो गई है, ठीक है। हो सकता है वो आते ही बोले यार ये तो जो लिखी हुई है बात 5 सेकंड बाद, ये तो ऑब्वियस बात है, ये तो लिखी हुई होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह रियल यूज़र से ना थोड़ा सा इंटरेक्शन करवा के हम चेक करते हैं, व्हाई पीपल विजिट योर वेबसाइट,
क्यों कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा? अटेंडेंस लगाने की अगर वेबसाइट है आपकी तो उसकी मजबूरी है इस पर आना, ठीक है। अगर कोई खाना ऑर्डर करने की वेबसाइट है तो जब उसको भूख लगेगी तो वो आएगा, जब उसको खाना ऑर्डर करना होगा तो वो आएगा, ठीक है। की मोटिवेशन क्या होगी वो? आर दे लुकिंग फॉर जनरल एंटरटेनमेंट, दे नीड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, आर देयर स्पेसिफिक गोल्स, इज इट पर्सनल और प्रोफेशनल। मिसाल के तौर पे खाने की वेबसाइट अगर है तो उसका एक गोल होगा, क्या वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है? पर्सनल गोल है उसका कि अपना पेट भरना है, सही, या अपनी फैमिली का पेट भरना है, या कोई ख़ास किस्म की इंटरटेनमेंट उसको मिलती है किसी ख़ास जगह का खाना खा के, ये हो सकता है, ठीक है। ऑन अदर एंड एक इमेज बैकग्राउंड रिमूव करने की एक वेबसाइट है, तो दैट इज़ अ पर्सनल गोल तो नहीं है वो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोफेशनल गोल होगा, लेकिन पर्सनल भी हो सकता है कुछ केसेस में। डू दे सी स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस एक्टिविटी एज एसेंशियल और अ लग्जरी? क्या वो जो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आ रहा है वहाँ पे, क्या वो उसके लिए एसेंशियल है? एसेंशियल का मतलब है कि उसकी जो भी जॉब करता है वो उसके लिए वो ज़रूरी है, वो उसके बगैर वो कंप्लीट नहीं होगा, या वो लग्जरी के तौर पे आता है? जैसे स्नैपचैट पे जो लोग फिल्टर लगाते हैं वो एसेंशियल के तौर पे नहीं लगाते, कुत्ता बनने का किसी को कुत्ते वाला उसमें फिल्टर है ना, यूँ जुबान हिलाओ तो ऐसे इतना बड़ा जुबान बाहर आ जाती है, तो इज दैट एसेंशियल? नहीं। तो ऑन अदर हैंड जो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने वाला है वो एसेंशियल कुछ केसेस में हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहीं पासपोर्ट साइज फ़ोटो सबमिट करनी है, स्कैन सबमिट करना है, तो मैं जाऊँगा कोई अच्छी सी हॉक्सबे पे खिंचवाई हुई तस्वीर का मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा और ब्लू लगाऊँगा उसके पीछे और भेज दूँगा, है ना। तो वो एसेंशियल हो सकता है, लेकिन मे बी समटाइम लग्जरी हो, मे बी समटाइम कोई बंदी पसंद आ गई हो तो उसका मुझे स्टिकर छपवाना है अपने कमरे में लगाने के लिए। करते हैं ना बहुत सारे हीरो, शाहरुख खान का पोस्टर इतना बड़ा लगाया हुआ होता है, तो मैं कोई फ़ोटो उठाऊंगा एक्टर की, उसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगा और मैं भेज दूंगा स्टिकर प्रिंट करने वाले को, मैं कहूंगा इसका स्टिकर प्रिंट करो, या उसका वॉलपेपर बनाना चाह रहा हूं मैं बड़ा सा, तो मैं बैकग्राउंड रिमूव करके उसको मैं साहिल बीच पे खड़ा कर दूंगा ऐसे लाके फोटोशॉप से। हाँ एक हमारे पास हमारे दोस्त तो नहीं है, खैर मोहल्ले में एक दुकान है हमारी, तो उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया है, तो उनकी दुकान के बाहर वो पोस्टर पे जो है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे खड़े हुए हैं उनके साथ, सही है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने गोरे हैं उसमें तुम देखोगे हैरान हो जाओगे, सही है, इतने गोरे तो असली में भी नहीं है वो। तो खैर, तो इस तरह का अगर कोई आपका अगर मोटिवेशन है तो बैकग्राउंड रिमूवर आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एसेंशियल हो। तो ये की मोटिवेशंस क्या होंगी ना, डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी वेबसाइट डिफरेंट हो सकती है। कैसे डिफरेंट हो सकती है? किसी जगह पे अगर कोई एसेंशियल चीज़ करने आता है तो वहाँ पे ना उसको मस्ती मजाक नहीं चाहिए, वहाँ पे सीधा सीधा काम होना चाहिए, टाइम नहीं होता बंदे के पास उस पॉइंट पर। हाँ, खाना ऑर्डर करते हुए समटाइम मैं खुद 15-20 मिनट आधा घंटा ज़ाया कर देता हूँ स्क्रॉल करते हुए कि अच्छा यार मैं, हाँ वेबसाइट में अच्छा यार देख लेता हूँ मिडनाइट भी डील में क्या दे रहे हैं ये, और वीकेंड की डील में क्या दे रहे हैं, है ना, सारे जो स्पेशलिटी पता नहीं क्या लिखी हुई है, वो इतना लंबा चौड़ा मेन्यू होता है आजकल लोगों का, बाई द वे पूरी दुनिया में ना इतना लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं होता कहीं पर भी। दुकान हमारे यहाँ तो जैसे दोपहर के वक्त आप गए किसी होटल में तो वो क्या बोलता है आपसे, आपने पूछा क्या है आपके पास, वो क्या बोलेगा, अपना एक उसने याद किया हुआ होता है रैप, वो रैप सुनाता है, समझ में भी नहीं आता, मतलब भिंडी गोश्त दाल गोश्त कौरमा कीमा दाल माश सब्जी ऐसे पूरा वो सुना देता है आपको, ठीक है। आमतौर पर ना ऐसा नहीं होता, जो ख़ास तौर पर यूरोप में और अमेरिका में तो वो दोपहर का खाना आप जब खाने जाते हैं ना तो किसी एक चीज़ का होटल होता है, किसी एक चीज़ का रेस्टोरेंट, होटल तो खैर वो रहने वाले को बोलते हैं हम, पता नहीं होटल रेस्टोरेंट को होटल क्यों बोलते हैं, ये भी एक अजीब बात है, होटल उसको बोलते हैं या रहते हैं जाके, जो खाना खाने जाते हैं वो तो रेस्टोरेंट होता है, तो वो रेस्टोरेंट में ना आमतौर पे उनकी एक ही डिश होती है या दो होती है, ये नहीं 10-12 वाला कोई सीन नहीं होता। आप वहाँ जाएंगे आप कहेंगे कि यार मेन कोर्स, वो बताएगा आपको कि मेन कोर्स में भाई एक मिसाल के तौर पर सुशी रेस्टोरेंट, तो वो कहेगा मेन कोर्स में सिर्फ सुशी है और वो दो तरह की है बस, इन दोनों में से बता दो कौन सी लानी है। अब वो आपने बता दिया, अब एपेटाइज़र में भी दो चीज़ें होती हैं आमतौर पर, वो 3-course 4-course मील होता है आमतौर पर,
जो वहाँ पे तरीका होता है जो प्रॉपर, तो वो एपेटाइज़र आपसे बोलेगा कि यार ये दो एपेटाइज़र बस, दोनों सेलेक्ट कर लो। अच्छा, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे वो ड्रिंक शुरू में आपको ला के देगा वो फिक्स है, वो लेमिनेट आपको देगा हर हाल में देगा, आप उसको माइनस नहीं करवा सकते, वो लेमिनेट ला के देगा, जैसे ही लेमिनेट ख़त्म होगा उसके बाद वो आपको एपेटाइज़र ला के दे देगा, फिर एपेटाइज़र जैसे ही ख़त्म होगा वो सर पे खड़े होते हैं, बिल्कुल यूं सर पे खड़ा होता है, जैसे ही एपेटाइज़र ख़त्म होगा वो मेन कोर्स ला के रख देगा, और मेन कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद डेजर्ट भी आमतौर पर फिक्स होता है, वो कहेगा सर डेजर्ट ले आऊँ, आप कहोगे हाँ ले आओ, नहीं भी लाओगे तो पैसे उसके फिर भी वो चार्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि फोर कोर्स मील है ना पूरा उसका, तो वो पैसे फिक्स हैं। ये वो आप दो जो मेन कोर्स दो है ना, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करो आप, पैसे नहीं चेंज होंगे, पैसे फिक्स हैं, वो चार कोर्स है, उसको आपको बारी बारी वो ला के देगा, उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। हमारे यहाँ वाला सीन नहीं है कि भाई मतलब हमने अगर हम रेस्टोरेंट पे गए, हमने उसको बोला यार एक बीफ बर्गर ला दे, तो वो बर्गर ही ला के देगा, अगर फ्राइज भी मंगवाओ ना साथ में वो बोलेगा यार मील कर दो इसको, मेक इट अ मील, ड्रिंक भी नहीं ला के देते, वो सिर्फ बर्गर होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। इवन दो कि हमारे जो देसी खाने हैं ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसके अंदर, ये गलत करते हैं हमारे वाले। तो अगर आप निहारी वगैरह के जो हमारे यहाँ रेस्टोरेंट हैं बड़े मशहूर हैं, वो दूसरे शहरों से लोग आते हैं वहाँ निहारी खाने, मगर उनके आप जाओ, आप उनसे बोलो यार हाँ भाई एक निहारी ले आओ, तो वो कहेगा सर रोटी कितनी, वो कहेगा रोटी दो, बस निहारी ला के रखेगा रोटी दो ख़त्म। उसके बाद पूछेगा आपसे वो कि सर ड्रिंक कौन सी, अगर आपने बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो कोई मसला नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुछ नहीं है, एक बार ला के दे दिया ऑर्डर, उसके बाद आप उसको बुला के दिखा दो उसके बाद वो ऐसा शार्ट होता है दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता कि भाई गया कहीं, सही है। तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे यहाँ, पता नहीं इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं क्या चक्कर है, या किसी ने ऐसा ही चल रहा है बस। हाँ, रोटी भी अगर कम मंगवा ली ना तो मसला हो जाता है, फिर वो नज़र भी नहीं आता बाद में कि गया कहाँ ये। हाँ बस, फिर लड़ाई फड्डा आपको पता है रेस्टोरेंट में यही चल रहा होता है सारा और फिर वो आखिर में अगर उनको टिप ना दो ना तो भी नाराज़ हो, भाई टिप किस चीज़ की, सर्विस तो ये होती है कि सामना खड़ा हुआ, सामने आप ऐसे गर्दन हिलाए ना तो फ़ौरन आ जाए, यूँ ऐसे वो चिराग का जिन नहीं होता वैसे खड़ा हुआ होता है वेटर, तो ये तो पता नहीं कहाँ होते हैं। वेल, तो बंदे के पास अगर कोई एसेंशियल काम करने के लिए आया है, बैकग्राउंड रिमूव करके उसने फटाफट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जमा करानी है, उसके पास टाइम नहीं है, वो कहेगा यार बट ठक करके रिमूव हो और आगे गले, बस इतना टाइम नहीं होता कि वो स्क्रॉल करे अच्छा कैसा कैसा रिमूव हो जाता है, ये काम नहीं होगा सामने, ठीक है। अच्छा, कलर्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो ज़ाहिर है एसेंशियल है तो उस पर हो सकता है वो दो तीन घंटे भी बिताए समटाइम। एक्सेल आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोई कलर नहीं है उसमें, गूगल ड्राइव आप खोलें कोई कलर नहीं है उसमें, क्योंकि वहाँ पर कोई लग्जरी करने नहीं आ रहा। आपकी जितने जो फाइनेंशियल साइट्स हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की साइट होती हैं, हमारे वाले को तो नहीं पता लेकिन आमतौर पे जो स्टॉक एक्सचेंज की साइट होती है, जो चार्ट्स होते हैं जिसके आगे बंदा देर देर तक बैठता है, उसमें सिंगल कलर होता है वो, ठीक है, एक ही वाइट और ग्रे और डार्क ग्रे का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन चल रहा होता है, ये रेड ब्लू पिंक ये सब कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। इंडिकेटर्स अगर आऊँ तो वो रेड ग्रीन हो सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो रेड ग्रीन होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन की मोटिवेशन और स्पेसिफिक गोल आपकी वेबसाइट डिफरेंट हो सकती है। What your visitor is trying to achieve, आपका विजिटर अब यार बस देखो ना ये क्या किया, इट इज अनलाइकली दैट यू विल बी एबल टू लिस्ट एवरी रीजन वाई समवन विजिट योर साइट, बट यू आर लुकिंग फॉर की टास्क एंड मोटिवेशन, दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प यू गाइड द डिजाइन योर साइट। कह रहे हैं कि भाई अब क्या मोटिवेशन किसकी है, ये तो बहुत अलग अलग हो सकता है ना, डाइवर्स है ये। जैसे बैकग्राउंड रिमूव करने की वेबसाइट का हमने जो एग्जांपल लिया है, इसमें जो डाइवर्सिटी है उसकी मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाली है, हो सकता है वो पोस्टर वाला केस हो सकता है उसका ये केस हो कि किसी को कुछ डेमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, किसी एक लंबे प्रोसेस के बीच का एक पार्ट उसको बनाया हुआ है उसने, तो वो सारों को शायद लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये कह रहा है कि आप इस चीज़ पे लेकिन देखें कि वो अचीव क्या करना चाह रहा है, इससे आपको काफ़ी हेल्प आउट मिलेगी, या आपकी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो अचीव क्या करवाती है, अल्टीमेटली वो मिलता क्या है उसको, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे अगर बैकग्राउंड रिमूवर ऐप का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो रिमूव हुआ हुआ बैकग्राउंड की इमेज है। अच्छा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट यू वॉन्ट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रीजन्स वाई पीपल वुड बिकम
will be coming on your website, you can then assign the list of tasks to the fictional visitor you created in the steps described in the previous page. कह रहे अलग अलग बंदे जो बुलाए थे ना पांच, उनको टास्क बता दो कि यार ये अपने करना है और उनको बिठा दो और फिर देखो. सही है. तो ये यूजर रियल यूजर करके ना वो किया भाई उन्होंने. अच्छा, व्हाट इन्फॉर्मेशन योर विजिटर नीड. आपके विजिटर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे. मिसाल के तौर पे एक बैकग्राउंड रिमूवर वाली ऐप है, तो आपसे उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इमेज अपलोड कैसे करनी है, किस फॉर्मेट में करनी है, है ना, और कौन सा बटन दबा के अपलोड होता है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली. अच्छा, फिर वो प्रोसेस होगा, वो डाउनलोड होगा, तो वो डाउनलोड होकर कहाँ जाके सेव हुआ है, क्या हुआ है, किस फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है, वो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. यू नो हु इज़ कमिंग टू योर वेबसाइट एंड वाई दे आर कमिंग. नाउ यू नीड टू नो, यू नीड टू वर्क आउट वॉट इन्फॉर्मेशन दे नीड इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स क्विकली एंड इफेक्टिवली. अब मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड रिमूवर की जो ऐप है उसमें एक तो तरीका ये है अपलोड करने का कि मैं सेलेक्ट फाइल का बटन दबाऊं और फाइल वो खुल जाए सिलेक्शन की, उसमें से एक फाइल सेलेक्ट करूं, ओके का बटन दबाऊं, अब वो अपलोड होने की तरफ जा रहा है. ठीक है, अपलोड होता है और उसके बाद एक डाउनलोड का बटन आ जाता है, वो प्रेस करता हूं मैं तो क्या होता है, डाउनलोड हो जाती है बैकग्राउंड रिमूव हुई हुई पिक्चर्स. अच्छा, लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका भी हो सकता है. या मिसाल के तौर पे मैंने एक फ़ीचर ये भी रखा है कि अगर ड्रैग करके इमेज को वेबसाइट पे लाके छोड़ा जाए तो ऑटो अपलोड हो जाती है. ठीक है, ये मैंने एक फ़ीचर रखा है. तो ये मुझे ना बताना पड़ेगा मेरे यूज़र को कि कैसे करके जल्दी से ये कर सकते हो आप. अच्छा, इसी तरीके से कहीं पर कोई फॉर्म वगैरह फिल होता है तो टैप सीक्वेंस होता है फॉर्म का. ठीक है, कि टैप का बटन दबाने से वो कौन से वाले पे जाएगा अगले पे. ठीक है, तो मुझे वो गाइड करना पड़ता है कि अच्छा ऐसे जल्दी से होता है. तो आमतौर पर अगर कोई फोटोशॉप पहली दफ़ा यूज़ कर रहा है तो वो अलग तरह से करता है यूज़. लेकिन वंस वो यूज़ टू हो जाता है उससे, तो उसको सारे शॉर्टकट्स पता चल जाते हैं. मैं VS Code पे कभी कोडिंग करता हूँ तो समटाइम चीज़ों को डुप्लीकेट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, कंट्रोल डी से उसको मल्टीपल सिलेक्शन करता हूँ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़र को अगर पता हो तो उसका काम काफ़ी आसान हो जाता है, ये एसेंशियल वाले केस में. ठीक है, अगर तो लग्जरी के लिए आ रहा है तो वो फिर टाइम स्पेंड करेगा उसके ऊपर, उसको जल्दी नहीं करना कुछ. अच्छा, अब ये भी लंबा मजमून है, हमारे पास टाइम अब थोड़ा सा रह गया. हाउ ऑफन पीपल विल विजिट योर वेबसाइट. अब ये हाउ ऑफन वाला भी चक्कर है कि फूड वाली वेबसाइट तो शायद वीक में एक दफ़ा आएगा. अगर कोई ऐसा काम है जो रोज़ ही करना है उसने, ठीक है, रोज़ ही उसने इनवाइसेस बना बना के सेंड करनी है, तो इनवाइस बनाने वाली वेबसाइट पर वो रोज़ आएगा, हो सकता है 8-8 घंटे रहे. ट्रेडिंग की वेबसाइट है तो रोज़ 8 घंटे लगाने ही लगाने हैं उसने. ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी देर बैठता है और कितने दिन के बाद आता है, इस चीज़ के ऊपर भी, इस क्राइटेरिया के ऊपर भी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं मेरी वेबसाइट में. अच्छा, साइट मैप क्या चीज़ होती है, ये होता है. ठीक है, साइट मैप की एक फ़ाइल होती है, वो बनाते कैसे हैं वो अलग से गूगल करके देख लेना कि हाउ टू क्रिएट अ साइट मैप. साइट मैप आपको बहुत सारी जगहों पर ना इसकी ज़रूरत पड़ती है, SEO में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है साइट मैप. तो जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर होता है ना, वहाँ पे आप साइट मैप सबमिट कर देते हैं. गूगल को भी आपको ये बात बतानी पड़ती है कि मेरे साइट में कितने पेजेस हैं मेरी साइट में. तो अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ मजमून लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना तो पता चल जाएगा. वायर फ्रेम भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जब डिज़ाइनर बैठता है प्रोडक्ट के ऑनर के साथ, जो भी ऐप बन रही है या वेबसाइट बन रही है उस बिज़नेस के लिए, उस बिज़नेस ऑनर के साथ जब डिज़ाइनर पहली दफ़ा बैठता है तो हाथ में पेंसिल लेके स्केच कर रहा होता है कुछ, कि अच्छा यार एक स्क्रीन होगी, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स होगा. तो पेंसिल से बना हुआ एक सिंपल जो ड्राइंग होती है, जिसमें कलर्स नहीं होते, जिसमें कोई साइज़ नहीं लिखा हुआ होता, जस्ट हाथ से बना हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड वायर फ्रेम. ठीक है, अ वायर फ्रेम इज़ अ सिंपल स्केच विद द की इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू गो ईच पेज ऑफ अ साइट. इट शोज़ द हायरार्की ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड हाउ मच स्पेस इट माइट रिक्वायर. ठीक है, अगर सर्च बॉक्स बनाया तो अच्छा राइट टॉप राइट पे इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें कोई पिक्सल नहीं बताया, कोई परसेंटेज नहीं बताया, जस्ट हाथ से गया इतना होना चाहिए. वायर फ्रेम कुछ इस तरह का हो सकता है. एक एग्जांपल हमने एक दफ़ा वायर फ्रेम बनाकर भी देखा है, बनाकर देखा था XD पे, एडोब XD पे. चलो बनाकर, अभी तो आगे हम बहुत कुछ करेंगे, तो XD पे आमतौर पर ये बन रहे होते हैं वायर फ्रेम. ज़रूरी नहीं है XD पे हो, ये तो हाथ से ही बन रहा होता है, लेकिन
ज़ाहिर है जब कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं आप तो कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ करेंगे ना, तो फिर उसके लिए एडोब एक्सडी है। अच्छा आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन एक लास्ट चीज़ सुन लो इससे पहले, ये विजुअल हायरार्की का क्या चक्कर है। विजुअल हायरार्की क्या होता है कि आपकी पेज पे जब बंदा आएगा तो वो पहले कौन सी लाइन पढ़ेगा, ठीक है, ये डिज़ाइनर डिसाइड करता है कि वो पहले कौन सी लाइन पढ़ेगा। दो मिनट। तो इस पेज में जो आप सबसे पहले आपने लाइन पढ़ी वो कौन सी थी, किसको? हाँ चलो तुम पढ़ा दो। अच्छा कौन सी वाली पढ़ी सबसे पहले? बंदर की शक्ल देखी सबसे पहले, है ना, मैंने भी यही देखा। अच्छा बंदर की शक्ल देखने के बाद मैंने पढ़ा आईमैक्स, और आईमैक्स के बाद मैंने पढ़ा बॉर्न टू बी 3D। पढ़ा नहीं मैंने बट देखा, मतलब स्पेलिंग नहीं पता मुझे क्या थी बट देखा मैंने, इसकी तरफ देखा है जो गोल्डन कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा ये लोगो वाला, मेरे केस में ये हुआ है, ये लोगो के साथ जो लिखा हुआ है ना, इसमें तन पता नहीं सोनियान क्या, मैं उसकी तरफ नज़र डाला। उसके बाद फिर मैंने ये नीचे की तीन फोटोज और ये नीचे की तरफ देखा है। अच्छा ये कैसे अजीब हुआ? उसके साइज से और कलर से, जो कलर प्रोमिनेंट था वो ये बंदर की आंखें हैं ना जो, और जिसके ये प्रोमिनेंट कलर है, गोल्डन कलर भी पूरे पेज में कहीं और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कुछ विजुअल हायरार्की के बारे में बात कर रहा है, ये प्योरली डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ है, आपको ये करने की ये बनाने की ज़रूरत कभी भी शायद ना पड़े, ये डिज़ाइनर का काम होता है, वो आपको बताता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा मंजन है, ये पढ़ लेना, ठीक है। ग्रुपिंग एंड सिमिलैरिटीज, ठीक है। अब ये सारा डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ है जो यहाँ पे आगे डिस्कस हो रही है, ठीक है। नेविगेशन कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, क्या इसमें ये डू और डू नॉट जो है ना, ये सारा ये एक लिस्ट है। जैसे वो मटेरियल डिज़ाइन जो है वो क्या है, वो डू और डू नॉट की एक लंबी सी लिस्ट है, तो ये सारा डू और डू नॉट यहाँ पे लिखा। इसमें डिफरेंट ये है कि इस वक्त यूज़र कौन से पेज पे मौजूद है इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है, वो इंडिकेट ऊपर वाले में नहीं हो रहा, नीचे वाले में हो रहा है, सही है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इस चैप्टर को लेकिन वर्ड बाई वर्ड पढ़ लेना, कोशिश करना, हमारे पास टाइम कम है, अदरवाइज एक एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा चीज़ों को स्किप करके जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू किया, ठीक है भाइयों। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।